इस वीडियो हमने ये जाना था कि कैसे हम स्प्रिंग की हेल्प से ऑब्जेक्ट को क्रिएट करा सकते हैं और स्प्रिंग से कंटेनर से कैसे हम ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, इसके बारे में प्रॉपर डिटेल से जाने थे। और वहाँ पर जो हमने वैल्यू असाइन किया था, दो तरीके से किए थे। एक तो हमने ये किया था कि वैल्यू एज ए टैग किया था एंड वैल्यू एज ए एट्रीब्यूट किया था। इन दोनों तरीकों से मैंने आपको बताया था, ओके। इन दोनों तरीके से हमने बताया था। एक तीसरा तरीका क्या है कि वैल्यू को पी स्कीमा की हेल्प से भी हम यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहता हूं, जैसे कि बीन का मतलब क्या काम कर रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या काम कर रहा है और ये वैल्यू क्या काम कर रहा है। तो यहाँ जो ये बीन है ना, ये बीन रिप्रेजेंट क्या करता है, इंडिकेट क्या करता है, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट टू कंटेनर। मतलब क्या कि इसके अंदर एक बीन मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, कहाँ पर, एक पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर। इस पर्टिकुलर बीन का मतलब यही हो गया, ओके। कि इस होल बीन के अंदर मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर, मतलब एक ऑब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है जो कि क्रिएट होगा कंटेनर में। और ये प्रॉपर्टी का बेसिकली काम क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या काम करता है, सेटर मेथड को कॉल करता है और उस करेस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो हमारा है उसकी वैल्यू को प्रोवाइड कराता है। तो यहाँ पर ये आईडी है जो उसको यहाँ से वैल्यू सेट करेगा विद द हेल्प ऑफ सेटर मेथड से, और इसी तरह ये भी प्रॉपर्टी यहाँ सेट करेगा। और ये जो वैल्यू टैग है ये वैल्यू प्रोवाइड कराता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल को। तो चलिए इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। तो सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट में आए और यहाँ से देखिए इस पब्लिक वॉइड सेट मेथड है ना, तो यहाँ पर सिंपली लिखता हूँ, एक मैसेज देता हूँ सिस्टम और लिखता हूँ सेटिंग वैल्यू ऑफ आईडी, ये हो गया। इसी तरह से इस सेट मेथड किसका है, नेम का है। हमने आपको ये बताया कि पर्टिकुलर मेथड जो प्रॉपर्टी है ये क्या यूज करता है, सेटर मेथड की हेल्प से वैल्यू को सेट करने का काम करता है। सिस्टम डॉट और डॉट प्रिंट ln हम यहाँ पर यूज करेंगे और डबल कोट में पास कर देंगे सेटिंग वैल्यू ऑफ नेम, ये हमारा दो हो गया। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा ये दोनों सेटर कॉल होगा, रन है जावा में, सिंपली हिट करता हूँ और वेट करिए। और यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या क्या हुआ, हेलो वर्ल्ड ये वाला लाइन एग्जीक्यूट है। जैसे कंटेनर ने लोड हुआ, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन फाइल को लोड किया, उसके बाद देखिए सेटिंग वैल्यू ऑफ आईडी, सेटिंग वैल्यू ऑफ नेम, नेम का किया, देन हमारा इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को हमने प्रिंट कराया, देन उसके बाद हम इस प्रोडक्ट को प्रिंट कराया और ये हमारा डिटेल्स आ गया। तो अब आई होप आप समझ पाए कि यहाँ से हम जो ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी किसको यूज कर रहा है वैल्यू सेट करने के लिए, सेटर मेथड को यूज कर रहा है, ओके, इस वैल्यू को सेट करने के लिए। और एक चीज़ ये बता दूँ, जो ये बीन है, प्रॉपर्टी है, वैल्यू, ये सभी केस सेंसिटिव है। इट मीन्स ये जिसे लोअर केस में लिखा गया है तो ये लोअर में ही रहना चाहिए, इसको आप अपर लोअर केस में नहीं कर सकते। ये सभी जो टैग है ये केस सेंसिटिव टैग है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से इसको आप यूज कर सकते हैं, तो किसी भी तरीके से आप यूज अपर लोअर करेगा तो यहाँ पर आपको एक्सेप्शन देने लग जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये देखूँ, देखिए डायरेक्टली एक्सेप्शन देने लग गया, इसलिए केस सेंसिटिव है, ओके। अब यहाँ पर हम इसको पी स्कीमा की हेल्प से कैसे वैल्यू को सेट करते हैं, और भी मिनिमाइज कोड कर देंगे, एक ही लाइन में हम कैसे कर देंगे इसको मैं आपको बताता हूँ, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर एक लाइन को आपको सिंपली ऐड करना पड़ेगा, ओके। और ये लाइन हमारा ये है HTML phttp://www.springframework.org schema p को अपने को यूज करके इस वैल्यू को आप सेट करना है। तो कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर ये जितने प्रॉपर्टीज लिखे हैं इन सब को कमेंट कर दीजिए, कोई रिक्वायर नहीं है, सिंगल लाइन में हो जाएगा, ओके। तो कैसे, देखिए यहाँ पर p लिखिए कॉलन और जो भी आपका ये पर्टिकुलर वेरिएबल नेम है उस वेरिएबल को लिखिए कॉलन आईडी इक्वल डबल कोट में सिंपली इसको पास कर दीजिए 10, फिर यहाँ पर स्पेस दीजिए पी कॉलन, कॉलन लिखना है और यहाँ जो इसकी आपकी वेरिएबल नेम है वो वेरिएबल नेम कॉलन के बाद देना है, कॉलन इक्वल और यहाँ पर सिंपली हम पास करते हैं श्याम। तो इस तरीके से हम एक सिंगल लाइन हम ऐड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए सिंगल लाइन, ये जो बीन है अभी के लिए इसको भी रहने दीजिए, फिर अभी बाद उसको सेल्फ क्लोजिंग करके दिखाऊंगा। अगेन आता हूँ यहाँ पर और रन है जावा एप्लीकेशन पर हिट करता हूँ, तो देखिए हमारा सक्सेसफुली वो वैल्यू अपने को रिटर्न कर देगा। सेटर मेथड को यूज किया, प्रोडक्ट में देखिए आईडी 10 आ गया, नेम में श्याम आ गया, ओके। अभी जो इतना लाइन मोड़ता है उसको सिंगल लाइन कैसे करना है, तो इसको भी कमेंट कर दीजिए। कमेंट करने के बाद सिंपली क्या करना है, इसको सेल्फ क्लोजिंग कर दीजिए, एक सिंगल लाइन में
होल ऑब्जेक्ट को क्रिएट हो गया। यहाँ पर हमने क्लास का लोकेशन प्रोवाइड करा दिया, नेम दे दिया कि कंटिन्यू हमारा ऑब्जेक्ट का नेम क्या होगा, और उसकी आईडी की वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, नेम को वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। इसी तरीके से कोई दूसरा आएगा उसको भी हम वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा पी स्कीमा की हेल्प से यहाँ पे हो रहा है। ओके, अगर मैं यहाँ से आता हूँ, उस प्रोग्राम को रन करता हूँ, एज ए जावा एप्लीकेशन पे सिंपली हिट किया और यहाँ से देखिए सिंपली अपने को ये आउटपुट मिल गया। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि कैसे हम पी स्कीमा की हेल्प से वैल्यू को प्रोवाइड करा सकते हैं क्लास के वेरिएबल को, एंड इस सिंगल लाइन में किस तरह हम कोड मिनिमाइज कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको जानकारी देखिए, जितने भी टैग है ये केस सेंसिटिव है। ओके, मिलते हैं आप।